जशपुर जिले में पर्यटन स्थल घुमाने के बहाने बगीचा थाना क्षेत्र में लाकर बलरामपुर की शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षक के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। रक्षाबंधन के दिन राजधानी के नजदीक मंदिर हसौद में इस तरह का कृत्य हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेताओं का खुलेआम अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो बद से बदतर। शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षक के साथ में गैंगरेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की राजधानी के नजदीक मंदिर असौ वहां पर इस तरह का कृत्य होता है। रक्षाबंधन के दिन वहां कृत्य हुआ, शिक्षक दिवस के दिन यहां कृत्य हुआ और अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है। प्रतिदिन चाहे वो हत्या हो, डकैती हो, फिरौती हो, लूटपाट हो, चैन स्कैनिंग हो, साइबर क्राइम हो, ये इस प्रदेश में आम बात हो गई। और सबसे बड़ी विसंगति ये है, सत्ता पक्ष के नेताओं का खुलेआम अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है, अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ का ग्राफ जो है देश के पहले नंबर में आ चुका है। अपराधियों को पकड़ने में देखिए, इस छत्तीसगढ़ में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया, ये उसी की परिणति है। अपराधियों को मुख्यमंत्री का और सत्ता पक्ष के मंत्रियों का, कांग्रेस के विधायकों का और सत्ता पक्ष के प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहे हैं। ये तो जो जानकारी में है वो है, जो जानकारी में नहीं आया है उसे ऐसी घटनाएं बहुत सी जिसका रिपोर्ट थाने तक नहीं पहुँचा। और इसलिए छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के जमाने में अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आने वाले टाइम में